बहाव के बीच पानी में फंसी ये बोट। नदी में इतना उफान कि पानी में फंसे एसडीआरएफ के ये जवान लगातार बोट को नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके हाथ नाकामी लग रही है। फिर अचानक पानी में तेज उफान उठा और बोट दिखना बंद हो गई। दरअसल ये तस्वीरें भिंड की कुवारी नदी की है, जहां नदी में कुछ लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी, लेकिन रेस्क्यू के दौरान एसडीआरएफ के जवानों की नाव पलट गई, जिसके बाद जवानों को तलाशने के लिए एनडीआरएफ की 70 से ज्यादा लोगों की टीम मौके पर पहुंची है और जवानों की तलाश शुरू कर दी गई है। चोपड़ा गांव में कुवारी नदी है, वहाँ पर एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति को फंसे होने की टीम में तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उसमें एनडीआरएफ का तीन जवान थे जो मौके पर पहुंचे थे, उसमें गाँव व्यक्ति भी था, वहाँ पर व्यक्ति से वापस आ गया हो गया। हमारे जो बोट थी वो उसमें हमारे जो सैनिक थे वो बाढ़ पर पहुँचे थे और चूँकि भंवर है जो उसका जो मूवमेंट है पानी का वो भंवर नहीं है, उसमें हमारे जो सैनिकों ने काफ़ी प्रयास किया तो भंवर में क्या फंसते चले गए दो लोग, उसमें एक व्यक्ति है अमूर और दूसरे का नाम है हरदीप। फिलहाल 12 घंटों से ज्यादा का समय निकल गया है, अभी तक जवान प्रवीण कुशवाहा और हरदास चौहान लापता है, उनकी तलाश जारी है। बुधवार को रात में तेज बारिश होने के कारण थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू को रोका गया था, लेकिन अब फिर से तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।